नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार, खबर है चंदौली के चकिया कोतवाली से, जहां मुखबिर की सूचना आधार पर मुठभेड़ के बाद एक टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुआ, वहीं दूसरे मौके से भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पाकर वन विषमपुरवा गांव में पुलिस जाल बिछाए जानकारी होने पर देसी तमंचा सेम मीर उर्फ सुल्तान पुत्र हनीफ निवासी बेलोवर चकिया चंदौली तथा आसिफ पुत्र अजमल निवासी उपरांत पुलिस पर फायरिंग झोंक दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर किसी तरह से आशिक को पकड़ लिया, वहीं समीर भागने में सफल रहा। अवधेश यादव की स्पेशल रिपोर्ट। आज दिनांक 17/8/2020 को थाना चकिया की पुलिस में इंस्पेक्टर के हमरा चित्तमपुर वन विषमपुर के जंगल की तरफ गश्त में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश इधर से निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में दो व्यक्ति उधर से आते हुए दिखाई दिए, जो ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी की उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने घेर करके उनको पकड़ा, एक आसिफ पुत्र अजमल पकड़ा गया था, उसका दूसरा साथी मौके का फायदा उठा करके भाग गया। पकड़े गए अपराधी के ऊपर संगीन धाराओं में 11 मुकदमे थाना चक्कियां पहले पंजीकृत हैं। ये टॉप 10 का अपराधी भी है और पुलिस इसको, ये वर्तमान समय में ठगी का धंधा करता है, सोने चांदी के जेवरात बदलने का धंधा करता है। इसके वजह से काफ़ी क्षेत्र में चर्चित था। इसके पास से 315 बोर का कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। क्या कार्रवाई की पुलिस थाने पर लाए, विधिक कार्रवाई की जा रही है।